हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसआर ट्रेवल एंड फन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग, अभी हम लोग आए हुए हैं त्रिवेणी संगम, जो कि यहाँ पे तीन समुद्रों का पानी एक जगह मिलते हुए दिखाई देता है फ्रेंड्स। बट जिस टाइम हम लोग गए हुए थे, तो हमें त्रिवेणी संगम वाली फीलिंग नहीं आया, क्योंकि तीनों समुद्र के पानी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे इस जगह पे। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यहाँ पे तीन सागरों का संगम होता है, यानी समुद्रों में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। बट फ्रेंड्स, किसी वजह से यहाँ के तीनों समुद्रों का पानी एक जगह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, सब मिल चुका था। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग, लेकिन फ्रेंड्स समुद्रों की लहरों से पता चल रहा था कि इधर कौन से समुद्र का पानी है और इधर कौन से समुद्र का पानी है। तो ये देख सकते हो आप लोग, बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी फ्रेंड्स। देख सकते हो इधर आपको, इधर बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी फ्रेंड्स, और बैक साइड में बहुत ही कम लहरें थी, तो इससे पता चल रहा था फ्रेंड्स। और आप लोग देख सकते हो ये, फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं और मैं रील बनाने के लिए वीडियो रेडी कर रही हूँ। और इनको देख सकते हैं, ये पीछे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी और बहुत ही मतलब समुद्र की छींटे हमारे ऊपर पड़ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा फीलिंग आ रही थी फ्रेंड्स। और हम लोग इवनिंग टाइम में गए हुए थे त्रिवेणी संगम देखने, तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग कितनी बड़ी बड़ी लहरें हैं, सो सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग। फ्रेंड्स, या इस जगह पे त्रिवेणी संगम को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए त्रिवेणी संगम को, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। हो सकते हो आप लोग, तीन समुद्रों का पानी स्पष्ट रूप से दिखाई देना और उसको एक साथ देखना अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई फ्रेंड्स।